डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज का अपना टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इंटेगुमेंट और स्किन, इंटेगुमेंट या स्किन के कार्य। सबसे पहले तो अपने को ये जानना जरूरी है कि इंटेगुमेंट और स्किन में क्या डिफरेंस है। स्किन है वो बॉडी की आउटर कवरिंग है, उसको अपन स्किन कहते हैं। और इंटेगुमेंट का मतलब भी ये होता है टू कवर, बट इंटेगुमेंट का असली अर्थ होता है कि जो स्किन है और स्किन के जो डेरिवेटिव है उन दोनों को मिलाकर के इंटेगुमेंट बोलते हैं। तो ये जो कंप्लीट संरचना है स्किन की उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। क्योंकि स्किन और स्किन से जितने भी व्युत्पन्न होने वाले जो संरचनाएं हैं उन सभी को अपन इंटेगुमेंट के अंदर शामिल करते हैं। तो यहाँ पर आज अपन स्किन के कार्य पढ़ेंगे कि स्किन कौन कौन से कार्य करती है। स्किन के कार्य मोटे तौर पर अपन देखें तो प्रोटेक्शन का भी है, लोकोमोशन में भी हेल्प करती है, डर्मल एंडोस्केल्टन का कार्य भी करती है, ये फूड स्टोरेज का काम करती है, सीक्रीशंस करती है, बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, सेंसेशन में, सेक्स और सिलेक्शन और भी इसके अलावा विविध कार्य होते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रोटेक्शन का। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज, एक्सटर्नल प्रेशर, फ्रिक्शन, ब्लो, हार्मफुल गैसेज एंड फ्लूइड्स। ये जो कार्य अपन ने बताए हैं ये इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड एक्सटर्नल प्रेशर और फ्रिक्शन, ब्लो, हार्मफुल गैसेज एंड फ्लूइड्स। स्किन जो है बाह्य जो आघात है उनसे रक्षा करती है, जैसे कोई भी प्रेशर है, बाहर से लगने वाला प्रेशर है, घर्षण है, तेज हवा से, हार्मफुल गैसेज है, उनसे वो अपनी रक्षा करती है। प्रोटेक्टिव सच एज स्केल्स, बोनी प्लेट्स, फैट, बोनी प्लेट्स, फैट, फीडर्स, हेयर्स एटसेट्रा, रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ द इंजरी, प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर, चेक हार्मफुल एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर फॉरेन बॉडीज। जो डेरिवेटिव है स्किन के जो व्युत्पन्न है, जैसे स्केल्स बनते हैं, जैसे बोनी प्लेट्स बनती है, जैसे फिशेज के अंदर फैट जमा होती है वो, और फीडर्स जो है और हेयर्स है, ये क्या करते हैं कि जो इंजरी होती है किसी भी प्रकार का आघात लगता है तो उसका फोर्स है वो कम करती है स्किन। प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर, अपने शरीर की त्वचा से हमेशा पानी का लॉस होता रहता है, उस लॉस ज्यादा नहीं हो उसको भी रोकने का काम करती है। चेक हार्मफुल एंट्री ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर फॉरेन बॉडीज। जो बैक्टीरिया है, फंजाई है और अदर फॉरेन बॉडीज है उनका हार्मफुल इफेक्ट या उनकी एंट्री है वो बॉडी के अंदर रोकती है, क्योंकि त्वचा वो अपने आप में मोटी होती है जो इनका बैक्टीरिया, फंजाई और जो बाह्य पार्टिकल्स है वो प्रवेश नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो त्वचा है, तो त्वचा जो नाक की त्वचा है तो नाक की त्वचा के अंदर म्यूकस होता है और उस म्यूकस के अंदर ये बैक्टीरिया और फंजाई है वो फंसे रह जाते हैं और अंदर एंटर नहीं कर पाते। तो एक तरीके से ये प्रोटेक्शन का काम करती है। इसी तरीके से फर फीडर्स, ब्रिशल्स, स्पाइन्स, क्लॉज, नेल्स, हुप्स, एंटलर्स एंड हॉर्न्स, ये जितनी भी संरचना है ये सारी की सारी एपिडर्मिस से व्युत्पन्न होने वाली संरचना है। और ये संरचना क्या करती है, ऑफेंस और डिफेंस दोनों काम करती है, शरीर की सुरक्षा भी करती है और बाह्य आघातों से रक्षा करती है। प्रोटेक्टिव कलरिंग सर्व टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। त्वचा के अंदर बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं और उन पिगमेंट की वजह से क्या होता है कि जंतु अपना कलर भी चेंज कर लेता है और उन कलर की चेंज की वजह से वो अपने दुश्मनों से बचा रहता है। स्किन पिगमेंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट सोलर रेडिएशन, त्वचा के अंदर पाया जाने वाला जो पिगमेंट है वो सोलर रेडिएशन से भी रक्षा करता है।
नेक्स्ट है लोकोमोशन। डर्मल फिन रेज इन फिन्स ऑफ फिशेज एंड स्किन वेव इन द फीट ऑफ फ्रॉग्स टर्टल्स एंड एक्वेटिक बर्ड्स हेल्प इन स्विमिंग। जो फिन रेज होते हैं यानी जो फिन होते हैं मछलियों के अंदर जो फिन पाए जाते हैं उन फिन के अंदर जो डर्मल रेज होते हैं वो, और इसके अलावा बहुत सारे एनिमल जैसे फ्रॉग है, टर्टल है, एक्वेटिक बर्ड्स है, उनकी लिम्स के अंदर वेव होता है, त्वचा का वेव पाया जाता है, स्किन वेव पाया जाता है, और वो स्किन वेव है वो स्विमिंग में हेल्प करता है। इसी तरीके से जो एम्फीबियन है, एम्फीबियन के अंदर एडहेसिव पैड्स पाई जाती है, और कुछ जंतुओं में क्लॉज पाए जाते हैं जो कि क्लाइंबिंग में, ऊपर चढ़ने में, दीवारों पे ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। फीदर्स और विंग्स हेल्प इन फ्लाइंग। फीदर्स जो है और विंग्स है वो फ्लाइंग में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है डर्मल एंडोस्केल्टन। डर्मल एंडोस्केल्टन हेड सील्स एंड द ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स प्रिवेंट कंप्रेशन ऑफ सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। जो हेड के अंदर और ब्रेन के अंदर और सेंस ऑर्गन्स के अंदर जो एंडोस्केल्टन पाया जाता है त्वचा के द्वारा व्युत्पित है, डेरिवेटिव त्वचा का जो है, जो एंडोस्केल्टन के रूप में होता है, वो क्या करता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है उसको बाह्य कंप्रेशन जो है उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फूड स्टोरेज। थिक फैटी लेयर अंडर द स्किन स्टोर फूड हेल्प इन हाइबरनेशन एंड माइग्रेशन। जैसे बहुत सारी मछलियां हैं, सील है, व्हेल्स होती है, वो अपने एडिपोल टिश्यू के अंदर, डर्मिस के अंदर जो लेयर है नीचे की हाइपोडर्मिस, उसके अंदर क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज कर लेते हैं, और वो फूड का स्टोरेज है वो जब वो शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता या माइग्रेशन में जाते हैं तब उनकी हेल्प करता है, वो फूड है वो उनके काम में आता है। सीक्रेशन। स्किन ग्लैंड सीक्रेट सब्सटेंसेस सेवरल यूजेज। अब स्किन ग्लैंड के द्वारा, स्किन से बनने वाली जो ग्लैंड है उनके द्वारा बहुत सारे सब्सटेंसेस निकाले जाते हैं, वो कई कार्य करते हैं, जैसे सीबम कंटेन फैटी एसिड एंड लैक्टिक एसिड विच ब्रिंग अबाउट द पीएच ऑफ द स्किन अप टू 3 pH एंड क्रिएट ए होस्टाइल इन्वायरमेंट ऑफ माइक्रोब्स। सीबम जो सीक्रेट किया जाता है सीबीसीएस ग्लैंड के द्वारा, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, और वो लैक्टिक एसिड कई बार स्किन की पीएच है वो 3 तक ले आता है, और वो 3 pH में क्या होता है, माइक्रोब्स है वो उस एनवायरमेंट में उस पीएच के अंदर ना तो ग्रोथ कर पा सकते हैं और ना ही वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो एक तरीके से वो सीबम है वो अपनी रक्षा करता है माइक्रोब्स में। म्यूकस ग्लैंड सीक्रेशन कीप्स स्किन मॉइस्ट एंड स्लीपरी। म्यूकस ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेशन साबित किया जाता है वो त्वचा को मॉइस्ट रखता है और स्लीपरी रखता है। ऑयली सिक्रेशन इन यूरोपाइजल ग्लैंड हेल्प इन प्रिनिंग फीदर्स। जो ऑयल सिक्रेशन है यूरोपाइजल ग्लैंड जो होती है उनके द्वारा जो सिक्रेशन साबित किया जाता है, यूरोपाइजल ग्लैंड ब्रेड बर्ड्स की टेल रीजन में पाई जाती है, तो उनका जो ऑयली सिक्रेशन है वो फीदर्स के प्रिनिंग में हेल्प करता है। ऑयल ऑफ सीबीसीएस ग्लैंड लुब्रिकेट्स द स्किन एंड हेयर्स। सीबीएसएस ग्लैंड का जो ऑयल है वो भी क्या करता है, स्किन और जो हेयर्स होता है उनको लुब्रिकेट रखने का काम करता है। मेमरी ग्लैंड सीक्रेट मिल्क फॉर द नरिशमेंट ऑफ द यंग। इसी तरीके मेमरी ग्लैंड भी क्या है, स्किन का डेरिवेटिव है वो भी है, वो यंग्स को जो है नरिशमेंट यानी पोषण देने में हेल्प करता है। ऑर्डर ऑफ सेंट ग्लैंड अटैक द अपोजिट सेक्स। ऑर्डर का मतलब सुगंध। जो सेंट ग्लैंड होती है जो स्किन का डेरिवेटिव है उसकी जो सुगंध है वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है। टीयर फ्रॉम लैक्रिमल ग्लैंड वॉश द कंजक्टिवा ऑफ द मेमिलियन आईबॉल। टीयर आंसू लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाने वाला जो
सिक्रीट किया जाने वाला जो टीएस है, आंसू है, वो कंजक्टिवा यानी मेमेलियन आई बाल के अंदर जो कंजक्टिवा मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको वाश करने का काम करता है। ग्रेव्स ऑफ ऑडिटरी मीटर सिक्रीट एंड सेरुमन इंट्रैप्स इंसेक्ट दैट इंटर द कैनाल। ऑडिटरी मीटर्स के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड्स है वो एक पदार्थ स्रावित करती है और वो स्राव है वो सिक्रेट करती है और वो स्राव है वो उस सीरुमन कहलाता है और वो सीरुमन क्या करता है कान के अंदर प्रवेश करने वाले छोटे छोटे जो कीट्स होते हैं उनको रोकने का काम करता है। पॉइजन ग्लैंड सिक्रेशन यूजेज इन ऑफेंस। पॉइजन ग्लैंड के द्वारा स्रावित करने वाला जो पदार्थ है वो ऑफेंस में काम आता है। टेम्परेचर कंट्रोल, स्किन है वो टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करती है। होम्योथर्मल जो एनिमल्स होते हैं, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा सेम रहता है, उनको होम्योथर्मल एनिमल्स बोलते हैं। और उन एनिमल्स के अंदर बॉडी का टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है चाहे इन्वायरमेंट का कितना ही हो जाए, और उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने में स्किन का बहुत योगदान होता है। जैसे फर है, फीदर्स है, स्केल्स है, वो क्या करते हैं इंसुलेट हीट इन कोल्ड क्लाइमेट, जो ठंडा वातावरण होता है कोल्ड क्लाइमेट होता है उसमें हीट को इंसुलेट करता है, बाहर नहीं निकलने देता है। स्वीट ग्लैंड ऑफ मेमल प्रोवाइड कूलिंग बाय इवापोरेशन इन समर। गर्मी के ऋतु के अंदर जो अपने त्वचा से इवापोरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वो बॉडी को ठंडा रखने का काम करता है और वो स्वीट ग्लैंड के द्वारा होता है। फॉर एलिमिनेशन ऑफ हीट एंटीगोमेंट्री ब्लड वेसल्स डायलेट सो दैट इट बिकम स्किन रेडिएटर। गर्मियों के अंदर जब बॉडी का जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो शरीर से हीट बाहर निकालनी होती है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो जो त्वचा के अंदर ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल क्या करती है फूल जाती है, डायलेट होती है, और डायलेट होने से क्या होता है बॉडी के अंदर जो रेडिएशंस बढ़ने लगते हैं उनको वो बाहर निकाल देती है और बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक तरीके से स्किन का करेक्टर है। इसी प्रकार से फॉर कंजर्वेशन ऑफ हीट द ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट। और मान लीजिए सर्दियों के दिनों में जब अपने को हीट बॉडी के अंदर कंजर्व करनी होती है, बॉडी के अंदर संरक्षित करनी होती है, तो यही ब्लड वेसल्स क्या करती है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, संकीर्णित हो जाती है, जिससे हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती और बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन बना रहता है। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, त्वचा के द्वारा उत्सर्जन किया जाने वाला पदार्थ किस प्रकार से हेल्प करता है। एक्सेस ऑफ वाटर साल्ट्स एंड यूरिया आल्सो एलिमिनेटेड इन स्वेट। जो पसीना अपनी बॉडी से बाहर निकलता है उसके साथ में साल्ट भी निकलता है और यूरिया की कुछ मात्रा निकलती है, तो इसको बाहर निकालने में त्वचा है वो हेल्प करती है। शेडिंग ऑफ स्किन ड्यूरिंग एक्डाइसिस आल्सो गेट रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जंतुओं के अंदर जब मोल्टिंग की क्रिया होती है तो उस समय त्वचा है वो बाहर उतरती रहती है, तो जब त्वचा बाहर उतरती है तो साथ में उसके जो स्किन के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, वेस्टेज होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वो भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो त्वचा बाहर उतार दी जाती है उस त्वचा के साथ में वो भी बाहर निकल जाते हैं। सेंसेशन, क्यूटेनियस नर्व एंडिंग्स एंड अदर सेंस ऑर्गन्स आर स्टिमुलेटेड बाई टच। पेन, चेंजेज इन प्रेशर एंड मॉइस्चर, एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड एंड केमिकल्स। क्यूटेनियस जो त्वचा के अंदर जो नीचे की लेयर होती है उसमें नर्व एंडिंग्स होती है और वो नर्व एंडिंग्स क्या करती है किसी भी प्रकार का पेन, बाहर से दिया जाने वाला वायुमंडल में कोई भी चेंजेज, प्रेशर हो, प्रेशर में चेंजेज हो, मॉइस्चर में चेंज हो, कोई हीट में चेंज हो, तो उन सबको नापने का काम करता है, क्योंकि उसके प्रति वो त्वचा है वो सेंसिटिव या सुग्राही होती है, तो एक तरीके से त्वचा है वो सेंसेंस का भी काम करती है। सेक्सुअल सिलेक्शन, ब्रिलियंटली कलर स्किन, एंटलर्स ऑफ मेल डियर, लॉन्ग टेल कवर्स ऑफ पीकॉक अट्रैक्ट बाई फीमेल मेटिंग। जो ब्रिलियंट कलर होते हैं वो दूसरे फीमेल होती है उसको आकर्षित करने का कार्य करते हैं।
इसी तरीके से मेल डियर जो होता है उसमें जो सींग होते हैं, एंटलर्स होते हैं, जो बाहर हॉर्न्स निकले रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसी तरीके से कवर्स होते हैं, यानी पीछे वाले पंख होते हैं पीकॉक के अंदर, वो भी फीमेल को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ विविध कार्य हो रहे हैं, विटामिन डी सिंथेसाइज इन मेमेलियन स्किन, मेमेलियन स्किन के द्वारा वो विटामिन डी का निर्माण किया जाता है। ब्रूड पाउचेज अंडर द स्किन ऑफ फिशेज एंड एम्फीबियस प्रोटेक्ट अनहैच्ड एग। कुछ फिशेज है जिसके नीचे जो ब्रूड पाउचेज होते हैं वो स्किन का बना होता है, थैलानुमा संरचना होती है, और उसके अंदर उसके अनहैच्ड एग जो है, एग्स जो है वो इकट्ठे रहते हैं, तो वो एक तरीके से त्वचा है वो उन एग्स की हेल्प करती है। नेजल ग्लैंड्स ऑफ टेट्रापोड कीप नोस्टिल फ्री ऑफ वाटर एंड डार्ट। नेजल ग्लैंड्स, नाक में पाए जाने वाले ग्लैंड्स चतुष्पादियों के अंदर, वो क्या करती है, जो नोस्टिल होते हैं उनको पानी से और डस्ट से बचाने का काम करती है। इसी तरीके से एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक एनिमल्स कैरी आउट द रेस्पिरेशन बाय वेस्कुलर स्किन। एम्फीबियंस में और पानी में रहने वाले जो जंतु है उनकी त्वचा जो है वो हाईली वेस्कुलर होती है, और उस वेस्कुलर त्वचा की वजह से ही वो रेस्पिरेशन का कार्य कर सकती है। इस प्रकार से ये स्किन के जो फंक्शन है वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।